पप्पू यादव ने सरकार पर हमला करते हुए देश के मुसलमानों के रेवेन्यू और मुसलमानों के इतिहास के बारे में बताने की बात कही। सऊदी और बाहर के पैसे की रेवेन्यू कितना है जानते हैं पत्रकार जी? 14.4। और मुसलमानों की रेवेन्यू क्या है पता है? 32.2। मैं आग्रह करूंगा आपको इतना गाली क्यों सुनने की आदत? आप बैंक से अपना पैसा निकाल लो और बैंक में पैसा जमा करना बंद कर दो। इसकी औकात का पता मोदी करना चल रहा है तो मेरा नाम बदल दो। यदि तुम दलित और मुसलमानों पर धर्म के आधार पर जाति के आधार पर उनकी वोटिंग राइट छीनते हो, उनकी सब्सिडी खत्म करोगे, उनको आरक्षण से मुक्त करोगे, उनको जमीन और नौकरी से मुक्त करोगे तो हमें रेवेन्यू हमको रोक लेना चाहिए। मैं आह्वान करता हूं इस देश के उस दलित गरीब लोगों को जो 18 करोड़ लोगों को ये CAA और NPR के तहत जो दलित है आदिवासी है 8 करोड़ 36 लाख जिसका आरक्षण और वोटिंग राइट ये छीनना चाहता है, मुसलमान बहाना है, ये गरीब इनका निशाना है, उनसे आग्रह करेंगे कि आप इन मनुवादियों के जेब में पैसा बंद करो। आप इस सरकार जो हमला करता है इस सरकार के रेवेन्यू में अपना पैसा देना बंद करो। यदि है तो मैं आह्वान करता हूं एक एक गरीब दलित और मुसलमान भाइयों से अपना पैसा अपने पास रखो ताकि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आपके पैसे से LIC के पैसे से पूंजीपतियों का की जिंदगी ना चले।